नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अमित शाह ने प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर एक नई भविष्यवाणी की है। 2024 में मोदी ही जीतेंगे, 2019 से भी ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे। अमित शाह की दूसरी भविष्यवाणी है, राहुल गांधी की पार्टी इससे और नीचे जाएगी, कांग्रेस दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी जब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तब राहुल गांधी लेक्चर दे रहे हैं। अभी उनके लेक्चर का एक छोटा सा हिस्सा सामने आया है, उसी पर राहुल गांधी जबरदस्त ट्रोल हो रही हैं। इसी बीच ममता बनर्जी और राहुल गांधी की दोस्ती परमानेंट तरीके से खत्म हो गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 के लिए राहुल एकदम अकेले पड़ गए हैं। ऐसे में सवाल है, क्या इस बार मोदी से मुकाबला 1-on-1 होगा? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अमित शाह का पोस्ट पोल सर्वे क्या कहता है? क्या फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मोदी लहर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड में चल रही है। मोदी की पार्टी मैराथन मीटिंग कर चुकी है। मोदी के ऑर्डर पर बीजेपी के टॉप लीडर्स मैदान में निकल चुके हैं। मजबूत सीटें, सेफ सीटें, कमजोर सीट, हारने वाली सीट, इनका सर्वे पूरा हो चुका है। 543 सीट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसके बाद बीजेपी और संघ के कोर ग्रुप की 4 घंटे लंबी बैठक हुई। इस बेहद गोपनीय मीटिंग में बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठे। संघ की तरफ से मोहन भागवत के डिप्टी दत्तात्रेय होस बोले, पूर्व सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी और सह सर कार्यवाह अरुण कुमार मौजूद रहे। बीजेपी और संघ ने मिलकर 2024 के लिए मास्टर प्लान बना लिया है और इसका पहला टीजर आज रिलीज भी हो गया। बीजेपी की नजर फिलहाल राहुल गांधी पर है। कांग्रेस जहां जहां कमजोर है वहां की 100 में से 100 सीट जीतने का प्लान पास हो गया है। जैसे 4 राज्य कांग्रेस के 0 विधायक, दूरबीन लेकर ढूंढेंगे तो भी नागालैंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं मिलेगा। त्रिपुरा के चुनाव में कांग्रेस के बस 3 विधायक बने। मेघालय में कांग्रेस का खाता बही 5 MLA पर जाकर रुक गया। पश्चिम बंगाल के सागर दिघी उपचुनाव में अगर कांग्रेस का एक विधायक नहीं जीतता तो यहां भी राहुल की पार्टी 0 पर होती। सियासी रूप से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं। कुल 9 राज्यों में कांग्रेस के 10 से भी कम विधायक हैं, यानी 9 राज्यों में राहुल गांधी की पार्टी सिंगल डिजिट में है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 4 विधायक हैं, गोवा में 3 हैं, तेलंगाना में कांग्रेस का कांटा 5 पर रुका है, मणिपुर में 5, मिजोरम में 5, ओडिशा में 9, गुजरात में 17 और बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं। राहुल गांधी की पार्टी कहती है कि राहुल ही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, मगर कैसे बनेंगे? लोकसभा में कांग्रेस के पास 10% सांसद भी नहीं है। 2019 में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नसीब नहीं हुई। पूरे देश में इस वक्त 4,126 विधायक हैं। कांग्रेस के विधायकों की तादाद सिर्फ 656 है, यानी राहुल गांधी के पास 16% से भी कम विधायक हैं। कल ही कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, तीनों जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हारे तो हारे, ऐसे हारे हैं कि दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। नागालैंड में 0 सीट, कितनी सीट? जोर से बोलो, कितनी सीट? मेघालय में 3 सीट, कितनी सीट?
और त्रिपुरा में सिर्फ 4 सीट, कितनी सीट? अब मुझे बताओ भाई, कर्नाटक में इनकी सरकार बन सकती है क्या? नरेंद्र मोदी की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी के कंपैरिजन के कई आधार हैं। एक आधार विधायकों की संख्या का भी है। पूरे देश में कांग्रेस के 656 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के पास 1421 एमएलए हैं, यानी राहुल के विधायकों के दोगुने से भी ज्यादा विधायक मोदी के पास हैं। पिछले 6 महीने में कांग्रेस नेताओं ने जितने बयान दिए उन सबको सुनेंगे तो कुछ बातें कॉमन मिलेंगी। लाइक माइंडेड पार्टीज, समान विचारधारा वाले दल, कॉमन पॉलिटिकल ग्राउंड, सेकुलर पार्टियां, ऐसे कुछ कीवर्ड जरूर मिलेंगे। लेकिन कीवर्ड्स दे देने से चुनाव नहीं जीते जाते। अपनी ताकत ना हो तो अलायंस चाहिए। कांग्रेस के पास अलायंस पार्टनर ही नहीं है। इस वक्त एंटी मोदी मोर्चा 3 तरह की फोर्स में डिवाइडेड है। कुछ लोग राहुल के साथ हैं, कुछ लोग मजबूरी में राहुल के साथ हैं, और कुछ लोग राहुल के साथ बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है, 24 में कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कोई अलायंस नहीं बनाएंगे, 24 का चुनाव अकेले लड़ेंगे। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ एसपी का कोई गठबंधन नहीं होगा, अखिलेश की पार्टी 24 का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। मायावती का भी यही इरादा है, बीएसपी भी 24 का चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। केजरीवाल भी कांग्रेस को नो कह चुके हैं। अखिलेश और मायावती ने कांग्रेस के प्रति अपना रुख पहले ही जाहिर कर दिया था। ममता बनर्जी ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अपना रुख साफ किया। ममता ने अलायंस पर जो निर्णय लिया उसके पीछे क्या है? दरअसल राहुल गांधी ममता से उम्र में कम है, राहुल तजुर्बे में भी कम है, राहुल का सियासी संघर्ष भी ममता से कम है, इसलिए ममता राहुल को नेता क्यों माने? देखिए, ममता जी की पार्टी तो वही चलाएंगे ना, हम तो नहीं चला सकते जो उनको निर्णय ले। हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा, हमने गोवा में देखा, कौन किसकी मदद कर रहा था वो दिख रहा था। अभी कल जो रिजल्ट आए हैं वो अगर आप थोड़ा सा सिर्फ सरसरी ढंग से भी अगर उसका विश्लेषण करें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन किसकी मदद कर रहा है। हम अपनी पार्टी चलाएंगे, हम अपनी पार्टी के निर्णय लेंगे, वो अपनी पार्टी चलाएं, वो अपनी पार्टी के निर्णय लें। राहुल गांधी से हाथ मिलाने में रीजनल पार्टियों को घाटा ज्यादा दिखता है, फायदा बहुत कम। ममता को लगता है अगर बंगाल की विधानसभा अकेले जीत सकती हैं, तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन क्यों करें? यही केजरीवाल को भी लगता है। ममता के विधायकों की संख्या को लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो दीदी को 31 सांसद मिल सकते हैं। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल के विधायकों की तादाद को लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो आपके 14-15 सांसद हो सकते हैं। अखिलेश और जयंत चौधरी के विधायकों को लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो एसपी और आरएलडी को मिलाकर लोकसभा की 23 सीट मिल सकती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी, इसका स्तर दिन प्रतिदिन घिरता जा रहा है। क्या नारे लगा रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये आप पार्टी वाले कहते हैं, मोदी तुम मर जाओ। अरे भाई, आपके कहने से क्या होता है? ऐसा कहने से ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता मोदी जी के लंबे आयुष्य के लिए प्रार्थना करे। एंटी मोदी कैंप में एक दूसरा गुट भी है जो मजबूरी में राहुल के साथ है। नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन इसी खेमे को रिप्रेजेंट करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे के कसब पेट उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद महाविकास अघाड़ी को लग गया है कि एक रहेंगे तभी मोदी से लड़ पाएंगे। इसलिए महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का गठबंधन और मजबूत होगा। महाविकास अघाड़ी के तीनों दल एक होकर लड़े तो उसने बीजेपी से वो सीट छीन ली जहां पिछले 28 साल से वो कभी हारी ही नहीं थी। जिस तरीके से अपने देश में कारोबार चल रहा है, जो अपने साथ है वो प्यारे हैं, जो नहीं है वो दुश्मन है। ये जो नीति लेकर आज की भाजपा चल रही है वो गलत है। अपने देश में पहले से कभी हुआ नहीं था, और इसलिए मैं मानता हूं कि कस्बा का जो एक परिणाम आया है, नतीजा आया है, वो पूरे देश में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। बदलाव की शुरुआत हो रही है। बहुत सालों के बाद अगर कस्बा चुनाव क्षेत्र में जितने सारे रहने वाले मतदाता हैं
वो उस एक प्रभाव से बाहर आ सकते हैं तो अपना देश भी जरूर जल्दी बाहर आ जाएगा। ठीक यही हाल झारखंड का है। रामगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन और बीजेपी की साझा कैंडिडेट सुनीता चौधरी ने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी उम्मीदवार को हरा दिया। 19वें आजसू और बीजेपी यहां अलग अलग लड़े थे, तब वो हार गए। इस बार बीजेपी ने आजसू को जिताने में जोर लगा दिया, तो हेमंत सोरेन का प्रचार भी किसी काम नहीं आया। सरकार ने काम शुरू किया है भाई, अभी तो कई चीजें धरातल पर पहुंची भी नहीं होगी, पहुंच रही होगी, चिंता मत कीजिए, ये बात कुछ नहीं है, ये सब धनबल का खेल है। अब राजनीतिक में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो इंटरनल है उसको भी जानते हैं आप लोग, एक्सटर्नल है उसको भी आप लोग जानते हैं, लेकिन जनादेश दिया है तो दिया है, हमारी शुभकामनाएं है, मेन मैच तो अभी बाकी है। हेमंत सोरेन मजबूरी में कांग्रेस को साथ रखने वाले नेता हैं, अगर कांग्रेस को नहीं रखेंगे तो गद्दी खिसक जाएगी, इसलिए हेमंत सोरेन के लिए राहुल मजबूरी वाले लीडर हैं। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में इन दिनों तमिलनाडु हो रहा है, बिहार विधानसभा में भी तमिलनाडु गूंज रहा है। जानते हैं क्यों? इसे समझने के लिए 48 घंटे पीछे चलना होगा। 2 दिन पहले तमिलनाडु में विपक्ष के नेताओं का एक मंच सजा था, मेजबान थे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, बिहार के तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे। कांग्रेस के खड़गे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला और डीएमके के स्टालिन के साथ तेजस्वी यादव ने हाथ पकड़कर साथ होने की कसम ली थी। हाल के दिनों में ये विपक्ष का सबसे बड़ा जमावड़ा है। स्टालिन के स्टेट में लोकसभा की 39 सीट है, बिहार में लोकसभा की 40, अखिलेश के राज्य में लोकसभा की 80। खड़गे को छोड़ दें तो यहाँ जो भी नेता मौजूद हैं, वो अपने दम पर जीतने वाले नेता हैं। इरोड़ सीट पर उपचुनाव में स्टालिन ने कांग्रेस कैंडिडेट को जिताकर विधानसभा पहुंचा दिया। कांग्रेस के कैंडिडेट ने राहुल से ज्यादा स्टालिन को थैंक यू बोला। तेजस्वी यादव चेन्नई से पटना लौटे तो बीजेपी ने 2 वीडियो उठा लिए। तमिलनाडु में हिंदी भाषी बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर आए तो पटना से लेकर चेन्नई तक हंगामा मच गया। तेजस्वी यादव को विधानसभा में सफाई देनी पड़ी। एक वीडियो जहां बिहार और झारखंड के मजदूर आपस में लड़ रहे हैं, दूसरा जो वीडियो है कोयम्बटूर का, वो स्थानीय निवासी केवल लोकल तमिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। महोदय, ये डीजीपी का बयान है और जाहिर सी बात है कि इस गंभीरता को देखते हुए ही डीजीपी ने अपना वीडियो रिलीज किया है और सतर्कता जो है की गई है। लेकिन अलग से अगर कोई और इंफॉर्मेशन है तो आप दीजिएगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम पहली बार नहीं, कई बार हमने पहले भी कहा कि इन लोगों का काम केवल अफवाह उड़ाना है। बोलेंगे भारत माता की जय, लेकिन जरा पूछो तमिलनाडु भारत का ही अंग है क्या? तमिलनाडु भारत का ही अंग है ना। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? तेजस्वी, स्टालिन और फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के अलायंस पार्टनर में से अभी यही 3 नेता कांग्रेस के प्रति कमिटेड दिख रहे हैं। राहुल की पार्टी से इनकी डिमांड ज्यादा है, जिस पर कांग्रेस अभी ध्यान ही नहीं दे रही। 2024 में मोदी की पार्टी को हराने के लिए इन नेताओं ने कांग्रेस को जो फार्मूला दिया है, उसके मुताबिक कांग्रेस सिर्फ 200 सीट पर फोकस करे जहां वो अकेली बीजेपी को टक्कर दे सकती है, बाकी 343 सीट वो रीजनल पार्टियों के लिए छोड़े और रीजनल पार्टियां 1 सीट 1 कैंडिडेट का फार्मूला बनाकर बीजेपी से लड़े। कागज पर यह प्लान अच्छा लग सकता है, लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। राहुल गांधी खुद को मोदी का चैलेंजर नंबर 1 मान चुके हैं, उनकी ये सोच ही विपक्ष की एकता में सबसे बड़ी बाधा है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव निपट जाने के बाद फोकस अब कर्नाटक पर शिफ्ट हुआ है। राहुल की पार्टी सांस ले पाती और देवगौड़ा की पार्टी कुछ प्लान कर पाती। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।
उससे पहले ही मोदी की पार्टी ने कार्पेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीदर और बंगलुरु का दौरा किया, वो मठों पर गए और चुनावी रैलियों को संबोधित किया। आपने तय करना है एविएशन और स्पेस में कर्नाटक को एक नंबर बनाने वाली भाजपा को वोट देना है या अपने परिवार का इंटरेस्ट नंबर एक पर रखने वाली जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना है। मित्रों, यूनिकॉर्न स्टार्टअप में नंबर एक बनाने वाला भाजपा को वोट देना है या अपने परिवार में सभी लोगों को टिकट देने वाली जेडीएस को वोट देना है। पीएफआई पर बैन लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है या आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तैयार हम कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।